नमस्कार, नमस्ते, हेलो। थिएटर और फिल्म एक्टिंग में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है? एक एक्टर के लिए जो स्कूल होता है, जहां से हम सीखते हैं, जहां से हमारा बेसिक स्ट्रांग होता है, हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग होता है, वो होता है थिएटर। के बाद वो आपको फिल्म में बहुत हेल्प करता है। क्यों? चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मैं सोमनाथ आपके साथ और आप देख रहे हैं ब्रेड बटर टोस्ट मेरे साथ, एक्टर एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस। मैंने जब से अपना करियर स्टार्ट किया है, कुछ 11 साल हो गया लगभग, उसके बारे में मैंने बहुत बार बहुत सारे वीडियोस में बताया। तो अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लो, और चैनल में बहुत सारे वीडियोस हैं, वहाँ आप अगर जाएंगे तो मेरे बारे में और ज़्यादा जान जाएंगे। तो आज मुद्दे पे बात करते हैं। मैंने जब अपना करियर शुरू किया था, शुरू के दिनों में 2011 में, तब मैंने थिएटर करना चालू किया था। हफ्ते में 2 दिन एक थिएटर ग्रुप में जाता था। उसके बाद मैंने प्रोफेशनल थिएटर ज्वाइन किया 2013 में, बहुरूपी कोलकाता। उसके बाद 2016 मैं NSDA आ गया। तो ये 2013 से 2016 जो 3 साल मैंने थिएटर किया, तो लगातार मैं एवरीडे शाम को 2.5 से 3 घंटा थिएटर करता था और दिमाग में दिन भर चलता था। जो भी काम कर रहा था, नौकरी कर रहा था, पापा के साथ बिजनेस में हाथ बटा रहा था, लेकिन दिमाग में चलता था मुझे एक्टिंग करना है, थिएटर, कैसे मैं बेटर एक्टर बनूं, कैसे मैं बेहतर एक्टर बनूं, कैसे मैं भीड़ से अलग दिखूं। उसके बाद जैसे ही NSDA हो गया, तो NSDA में 24 घंटा 3 साल मैंने थिएटर किया। तो मैंने इतना सारा थिएटर किया, और उसके बाद जब अब मैं फिल्म कर रहा हूँ, मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन, और दूसरी फिल्म है जिसका भी शूटिंग मैंने कोलकाता से खत्म किया है, मास्टर अंशुमान। बाय द वे, मेरा एक बंगाली चैनल है जहाँ मैं ब्लॉग्स बना रहा हूँ, तो बंगाली बाबू सुपरस्टार, तो उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। आपको अगर वो ब्लॉग देखना है तो आप वहाँ जा सकते हैं। क्या बता, आप थोड़ा बहुत बंगाली भी सीख सकते हैं। अभी जब मैं फिल्मों में काम कर रहा हूँ, तो मुझे इतना इम्पैक्टफुल लग रहा है कि थिएटर करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? अभी ये एक जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जगह है एक ऑडिटोरियम। यहाँ पे हम पहले नाटक करते थे, यहाँ अभी हमने क्रोमा लगाया है। ये क्रोमा के जरिए हम इंस्टेंट VFX के जरिए, एवेंजर्स जैसी फिल्मों में हम VFX देखते हैं, या फिर जो बड़ी बड़ी फिल्में हैं हॉलीवुड के, जंग के सीन्स हैं, बहुत सारे सीन्स VFX के जरिए क्रिएट किया जाता है। तो मेरा जो ये सीन था, इस सीन में मुझे बाइक चलाना था, और बाइक स्टेज के ऊपर खड़ा है और पीछे क्रोमा है, कैमरा चल रहा है, लेकिन जब एडिट के बाद स्क्रीन में हम देखेंगे, तब देखने को मिलेगा कि पीछे जो क्रोमा अभी लगा है ना, उसको क्रॉप कर देंगे, उसको उड़ा देंगे इस तरीके से। जैसे ही उड़ गया, तो इसके पीछे हम कुछ भी बिठा सकते हैं। तो ये बाइक चल रहा है, बाइक चल रहा है, और पीछे जंगल जो है वो जा रहा है। अब आपको वहां पे एक्ट करना है। इसके लिए किस चीज की जरूरत है? इमेजिनेशन की। थिएटर आपका इमेजिनेशन पावर बहुत बढ़ा देता है। आप अगर थिएटर में जाएंगे, आप कोई भी स्क्रिप्ट उठाएंगे, आप पढ़ने लगेंगे, तो वो हर एक कोई किरदार है, हर एक कोई अलग अलग कहानी है। उसको आपको एक स्टेज में आके करना पड़ता है, ऑडियंस के सामने आपको उसी तरीके का कॉस्ट्यूम पहन के, उसी तरीके के बॉडी लैंग्वेज लाके, उसी तरीके के हाव भाव, बातचीत, सब कुछ चेंज करके सामने ऑडियंस को बिलीव करवाना पड़ता है कि हाँ देखो, आप उस टाइम पे आ गए। अगर मैं शेक्सपियर के टाइम का प्ले कर रहा हूँ, तो मैं शेक्सपियर के टाइम पे आ गए हैं आप, और मैं उसी जमाने का एक इंसान हूँ, या फिर मैं कोई फोक आर्ट कर रहा हूँ। तो एज एन एक्टर, आपकी जो बिलीविबिलिटी है, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है थिएटर, और रेगुलर थिएटर करना।
क्योंकि हर छोटी छोटी चीज आप स्टेज पे ही परफॉर्म करते हैं। आप मान लो इतने सारे लोग बैठे हैं, उसके अंदर आप डायलॉग याद करके फिर उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लोगों के साथ एक्ट कर रहे हैं, कितना मुश्किल होता है एट ए टाइम एक इंसान के तौर पे कैरेक्टर को प्ले करना, उसके अंदर रहना, सारे मोमेंट याद रखना, और उसके बावजूद आपको बोलना है सामने वाले को, और लोगों को लगना चाहिए कि एक्ट नहीं कर रहा है, ये तो नेचुरल लग रहा है वहां पे। भागते हुए ट्रेन के आखिरी डिब्बे में चढ़ा। अरे ये उसका बैग भाव, ये मेरे सामने ऐसे खड़ा था ऐसे, अरे चेहरे से पसीने टपक रहा था, आंखें लाल, ये देवा देवा, ये मेरे को लगा उसका तबीयत खराब लग रहा है। तो इतना प्रेशर लेने के बाद एक एक्टर वो काम कर पाता है जो कोई और नहीं कर पाता है, इसलिए ट्रेनिंग की जरूरत है। और किस तरीके की ट्रेनिंग? एनएसडी में जो ट्रेनिंग होता है वो अलग अलग आपको रास्ता दिखा देता है, अलग अलग फॉर्म्स के बारे में बता देता है। लेकिन फिल्मों में जब आप जाते हैं, फिल्म में आप जाके सीख नहीं पाएंगे, फिल्म में आपको बहुत प्रोफेशनल होना पड़ता है, फिल्म में जाके प्रैक्टिस की कोई जगह नहीं है। थिएटर में आपको ये चीज और डिटेल में जानने का मौका मिलता है कि एट ए टाइम आप सारे छोटे छोटे स्पीचेस को कैसे समझे, कहाँ पे स्ट्रेस देना है, आपके बॉडी लैंग्वेज क्या होंगे, जिसके ऊपर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, बॉडी लैंग्वेज लेके लास्ट मैंने एक वीडियो बनाया है। तो ये सब कुछ बहुत डिपेंड करता है। और जब मैं सोचता हूँ कि इरफान साहब जिनको हम आइकन मानते हैं, एक्टर्स बहुत सारे हैं, आपको अगर लगता है कि ये भी एक्टर वो भी तो है सीरियल में, ये है वो है, नहीं मैं उनकी नहीं बात कर रहा हूँ। अगर एज एन एक्टर आप लॉन्ग टर्म में सोचते हैं कि मुझे लोग जानेंगे कि ये एक एक्टर है और इनको देख के हम सीखेंगे, मेरे लिए इरफान साहब से मैं सीखता हूँ, उनका कोई भी ट्रेलर चला दो मैं घंटों तक उस पर बात कर सकता हूँ, और मैं वीडियोस बनाऊंगा भी। इरफान साहब का एक्टिंग लेके मुझे जो रियलाइज हुआ, मैंने बहुत कुछ सीखा उनके काम से। मुंबई आना बहुत आसान है, घर से पैसे लिए और मुंबई आ गए। सुना है हमने शाहरुख खान तो मुंबई आए थे ऐसे करके, नवाजुद्दीन सिद्दीकी आए थे, ये आए थे, आया था, मैं भी आया था। लेकिन मुंबई में सस्टेन करना बहुत बड़ी बात होती है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके पास कॉन्फिडेंस है उस लेवल का कि आपका काम आप जो करते हैं वो आप प्रूव करके रहेंगे तब ठीक है। लेकिन वो कब आएगा? जब आप कहीं से अच्छे से सीख के आएंगे, कहीं से अच्छे से समझ के आएंगे, या कहीं किसी जगह जाएंगे, किसी के पास जाएंगे जो आपको बताएगा कि बेटा ये सही लगता है, ये करो, ये करके देखो, अच्छा होगा। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि सब लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं। थिएटर और फिल्म में एक चीज आप लोग भी जान लो सबसे सिमिलर है, वो है एक्टिंग। फिल्म जो है बहुत मिनिमलिस्टिक है, मतलब कम करना पड़ता है। फिल्म के भी अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, जैसे पिपली लाइफ जैसे फिल्म है और जैसे पुष्पा जैसी फिल्म है, KGF, तो ये सारे फिल्म जॉनर अलग है, हार्डकोर कमर्शियल अलग है, पैरेलल फिल्म्स के जॉनर अलग हैं। थिएटर जाना, थिएटर सीखना, थिएटर करना और प्रैक्टिस में रहना, रेगुलर प्रैक्टिस में। अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं, विराट कोहली आज 200 मिलियन उनका इंस्टा पे हो गया, विराट कोहली ने प्रैक्टिस छोड़ दिया क्या? नहीं छोड़ दिया है, क्योंकि वो प्लेयर है, वो प्रैक्टिस करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। आप कहाँ प्रैक्टिस करेंगे? काम तो करते रहेंगे। मैं जैसे काम कर रहा हूं, मेरा प्रैक्टिस कहाँ है? यूट्यूब, मेरे क्लासेस। तो प्रैक्टिस आपको करते रहना जरूरी है, और इस प्रैक्टिस के लिए फिर आपको थिएटर ढूंढना पड़ेगा कहाँ है। अगर थिएटर आपको मिल नहीं रहा है तो आप जाओ शहर जाओ, आप पैसा नहीं है तो पैसा जुगाड़ करो, नौकरी करो, मैंने भी किया है, नौकरी करो, दिन में शाम को थिएटर करो, ढूंढो। इसलिए फिल्म एक्टिंग से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप सीखना चाहते हैं या चाहती हैं तो थिएटर में जाओ, और एक थिएटर नहीं, एक थिएटर में जाओ, देखो, अगर लग रहा है कि हाँ ठीक है और थोड़ा बेटर, कहाँ बेटर कहीं पे जाओ, बेटर कहीं पे जाओ, चीज़ें धीरे 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 इंप्रूव करते जाओ। मैं गाइड हूँ, यहाँ पे हूँ, कमेंट करेंगे आप लोग मैं जवाब दूंगा। इंस्टा आईडी है सोम दिस साइड, वहाँ लोग मुझसे जुड़ते हैं, क्लासेस ले रहा हूँ, काफ़ी लोग आते हैं, तो ऐसे मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, गाइड करता रहूँगा। सो ये बेसिक चीज़ें हैं जब आप काम कर रहे हैं दिमाग में बिल्कुल रखना, है ना। मिलते हैं बहुत जल्द, टेक केयर, बाय, सी यू।